धीरे धीरे कम हो रहा है हिमाचल में बारिश और बाढ़ का असर। आसमान से हर तरफ दिख रहा बर्बादी का मंजर। अब तक 95 लोगों की मौत। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड पार। वाटर लेवल पहुंचा 207.25 मीटर। यमुना खादर में कई घरों में घुसा पानी। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे सावधान। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी जीत की ओर ममता बनर्जी। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा ने बनाई 4 नेताओं की टीम। प्रभावित इलाकों का दौरा कर जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में दाखिल चार्जशीट पर आज होगी राव जवेदी कोर्ट में सुनवाई। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत। पुलिस चार्जशीट में महिला पहलवान लगाए हैं यौन उत्पीड़न के आरोप। पुलिस ने कहा चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस। मिशन एमबी पर भोपाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं का को संदेश। टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी टीम के सहारे लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी मौन सत्याग्रह। दिल्ली हिमाचल पंजाब हरियाणा में बाढ़ और बारिश के चलते कांग्रेस ने रद्द किया प्रदर्शन। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के साथ आज से टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। युवा खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। और आइए 9 सेकंड न्यूज में शुरुआत करते हैं बाढ़ बारिश की खबरों के साथ। बढ़ेगी दिल्ली की मुसीबत। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। पानी छोड़ने से उफान पर यमुना नदी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बाढ़ से हालात बदतर। कई घरों में घुसा पानी। एबीपी न्यूज की टीम ने लिया हालात का जायजा। यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ओल्ड रेलवे ब्रिज यमुना किनारे की तरफ नदी का तेज बहाव। किनारे पर बसे लोगों ने घर खाली किए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। घरों में आई दरारें। प्रशासन ने लोगों से घर खाली करने को कहा। पंजाब के जालंधर में तेज बहाव में डूबा एक युवक। लगातार भारी बारिश के बाद पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल के मनाली में बाढ़ बारिश ने मचाया विध्वंस। तबाही की कई तस्वीरें आई सामने। कई इलाके पानी से लबालब। भारी बारिश से हुआ भारी नुकसान। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। हरिद्वार जिले के मैदानी इलाके लक्सर में सोनाली नदी का टूटा तटबंध। लक्सर विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर गांव में आई बाढ़। किसानों के खेतों में खड़ी फसल जलमग्न। हरिद्वार जिले के मैदानी इलाकों में आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से बाढ़ प्रभावित इलाके के निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। ट्रैक्टर पर सवार होकर किया निरीक्षण। हरिद्वार में कबाड़ी के गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम पानी में बह गए। एक एक करके नदी के बहाव में डूबे बह गए ड्रम। बाढ़ की वजह से गोदाम में भरा था पानी। हरिद्वार में बारिश की वजह से रेल ट्रैक के नीचे की जमीन खिसकी। 12 घंटे तक बंद रही ट्रेनों की आवाजाही। हरिद्वार से दून और ऋषिकेश के लिए बाधित रही कई ट्रेनें। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सभी विभागों को निगरानी रखने के निर्देश। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें श्रद्धालु। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान मारकर बह रही है नदियां। नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चकराता में खतरे के निशान के पार बह रही है टोंस नदी। नदी किनारे पर बनी 22 दुकानों को कराया गया खाली। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के रानीखेत में बरसात के बाद सड़क पर बह रहे झरने। सभी पटवारी और विभागीय अधिकारियों को स्टेशन पर ही रहने के निर्देश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई वीडियो की ड्यूटी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी और बनास के बीच लैंडस्लाइड। गंगोत्री जाने वाले कांवड़िए बीच रास्ते में फंसे। बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ने से बहने लगा झरना। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात। खेत खलिहान सड़क और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
सहारनपुर में अंडरपास में पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी। शेखपुरा कदीम गांव में अंडरपास में भरे पानी में डूबने से बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को पानी से बाहर निकाला। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी राज्यों में भी आफत आई है। देखिए इसी से जुड़ी कुछ और खबरें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया हवाई संरक्षण हेलीकॉप्टर से लिया आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा। बारिश की वजह से करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा पीड़ितों के साथ राहत शिविरों में किया डिनर। लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। चंद्रताल लेक से रेस्क्यू किए गए ये लोग। बारिश की वजह से बढ़ गया था झील का जलस्तर। हिमाचल के कांगड़ा में 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश की वजह से फंस गए थे पर्यटक। जानकारी के बाद पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमाचल में भारी से बारिश की वजह से हुई तबाही को लेकर कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा प्रधानमंत्री को घोषित करनी चाहिए राष्ट्रीय आपदा। हिमाचल के मंडी से कुल्लू के बीच हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड। रास्ता साफ होने में अभी लगेंगे 4 से 5 दिन। मनाली हाईवे पर खड़े वाहनों पर कई जगह गिरी चट्टाने। हरियाणा में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने किया अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण। बोट पर सवार होकर निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री। अंबाला में बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रही पुलिस। सेना के साथ पुलिस कर रही आम लोगों की मदद। अब तक 450 से ज्यादा लोगों का किया गया है रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मौसम खुलने पर शुरू की गई अमरनाथ यात्रा। बारिश और खराब मौसम की वजह से बाधित थी यात्रा। तीर्थ यात्रियों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर घरों में घुसा पानी। कश्मीरी गेट यमुना बाजार में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। घरों की छतों पर रहने को मजबूर है लोग। दिल्ली में कम नहीं हो रहा यमुना का जलस्तर। पुराने पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। आज 207 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। दिल्ली में बुराड़ी क्षेत्र में यमुना किनारे के इलाके में बाढ़ आई। यमुना से लगते किसानों के खेतों में भरा पानी। किसान बोले उनकी तरफ सरकार का नहीं है ध्यान। हिमाचल में मंडी मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड का वीडियो। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। हाईवे पर आ गिरी एक बड़ी सी चट्टान। हिमाचल के मंडी में प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर में घुसा मलबा। मंदिर परिसर में करीब 10 फीट तक मलबा आया। मूर्तियों की साफ सफाई का काम लगातार जारी। हिमाचल के सौलीखड़ गांव में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। व्यास नदी के पानी में डूब गए गांव। पिछले 50 साल के भीतर सबसे भीषण मंजर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात। बाढ़ की चपेट में आया मंदिर। मंदिर के अंदर बारिश का पानी और मलबा भरा। बाढ़ बारिश से हुए हादसों में फंस रही है तमाम जिंदगियां। कहीं गाड़ियां दब गई तो कहीं मकान ढह गए हैं। देखिए तबाही के मंजर की कुछ और तस्वीरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। शिमला के कोटखाई देवरी खनेटी में ताश की पत्ती की तरह ढह गया मकान। कुछ ही सेकंड में धराशायी हुआ निर्माणाधीन भवन। हादसे से पहले इमारत से बाहर आ गए थे लोग। हिमाचल के सोलन में पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। सड़क किनारे खड़ी वैन पर गिरा मलबा। गनीमत ये रही कि हादसे के समय वैन में कोई नहीं था। पंजाब में घग्गर नदी में कुछ कम हुआ पानी का जलस्तर। बारिश की वजह से नदी में बढ़ गया था पानी। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू की पार्वती घाटी में बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। खीर गंगा में फंसे पर्यटक जान जोखिम में डालकर पैदल निकले। सड़कें टूटे होने की वजह से पहाड़ों को पार करने में कुल्लू तक पहुंच रहे हैं पैदल लोग। पंजाब की फतेहगढ़ में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सरहिंद शहर में जलभराव से लोगों को परेशानी हुई है। शहर के अंदर जगह जगह भरा हुआ है पानी। उत्तराखंड में हुई भूस्खलन की घटना में देवास के 2 लोगों की मौत। देवास कलेक्टर ने की पुष्टि। देवास से उत्तराखंड यात्रा पर गए थे 2 लोग। हिमाचल में उफनाती नदियों की लहरों का तांडव जारी। भुंतर में पानी के तेज बहाव ने कहर बरपाया। एक मकान ढह गया। पेट्रोल पंप भी पानी के साथ बह गया। हिमाचल में मौत बनकर बरस रही है बारिश। सीजन में अब तक 72 से ज्यादा लोगों की गई है जान। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई है।
हिमाचल के सोलन में रात को आई आफत, बादल फटने से आया सैलाब, कई घरों को पहुंचा नुकसान। यूपी के सहारनपुर में बाढ़ का कहर, शाकुंभरी देवी मंदिर के पास दुकानों में घुसा पानी, सैलाब के प्रहार से दहशत में लोग। शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर में बाढ़ आ गई है। ज्यादा पानी होने की वजह से शाकुंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक हो गई है। सहारनपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली में सैलाब की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 39 टीम तैनात, उत्तराखंड पंजाब में भी अलर्ट पर टीमें हैं। डीआईजी एनडीआरएफ ने कहा, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी स्टैंड बाई पर जवान। देहरादून के शिमला बाईपास पर जलभराव, भूटपुर में डूबे कई मकान, जिला प्रशासन ने मकान में फंसे लोगों को निकाला, पानी में डूबा विकास नगर का बड़ा इलाका। हिंदुस्तान के साथ उत्तरी न्यूयॉर्क और वर्मोंट के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ ने मचाई तबाही, प्रशासन की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार के लक्सर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, खेतों से लेकर सड़क और घरों के आंगन में कई फीट तक भरा पानी। और अब आपको 9 तक की न्यूज में दिखा देते हैं देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर लगेगा 28% जीएसटी, सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजें अब सस्ती, कैंसर दवाओं पर से हटेगा जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से पहले जोरों पर बैस्टिल डे परेड की तैयारी, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया। कल से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय फ्रांस दौरा, एयरोपोर्ट्स डी पेरिस कंपनी के सीईओ बोले, बैस्टिल दिवस पर पीएम मोदी का स्वागत करना बड़े सम्मान की बात है। फ्रांस दौरे से लौटते समय पीएम मोदी करीब 5 घंटे के लिए यूएई भी जाएंगे, इस दौरान वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात कर कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। सांसद ब्रजभूषण पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस, चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवान ने लगाया छिड़खानी का आरोप, 6 जगहों पर छिड़खानी की बात कही। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। सफाईकर्मी आलोक कुमार की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य कल कोर्ट में नहीं हुई पेश, अलग होने के लिए आलोक ने फैमिली कोर्ट में दी है अर्जी, 18 अगस्त को फिर से होगी अगली सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई, गैंगस्टर केस में निचली अदालत से अफजाल को मिली है 4 साल की सजा। और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में दिखा देते हैं मिशन चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। भोपाल में अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ की मीटिंग, विजय संकल्प अभियान शुरू करने के दिए निर्देश। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, ट्वीट कर लिखा राज्यपाल जी से शिष्टाचार भेंट। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ आज होने वाले कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर बारिश का असर दिखा है, दिल्ली समेत 5 राज्यों में प्रदर्शन स्थगित। कांग्रेस अब 16 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस के लोग मौन सत्याग्रह करते हुए दिखाई देंगे। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक हुई, इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजस्थान के नेताओं से जेपी नड्डा ने की मुलाकात, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में ही राजस्थान और देश का विकास संभव है। अब आइए ताबड़तोड़ अंदाज में वक्त हो गया है राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें दिखाने का। आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले पार्टी मुख्यालय की हो रही है जासूसी, 6 से 7 लोगों पर लगाया जासूसी का आरोप। जासूसी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले मैं सौरभ भारद्वाज को चुनौती देता हूं कि वो सबूतों के साथ दिल्ली के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के नए ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध, कहा 15 दिन में नई नियुक्ति कर सकती है केंद्र सरकार। ईडी निदेशक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमलावर विपक्ष को अमित शाह का जवाब, बोले खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं, निदेशक कौन है ये अहम नहीं, ईडी अपना काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर वार, रणदीप सुरजेवाला बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत।
ईडी मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला, ट्वीट कर लिखा, गृह मंत्री उस एजेंसी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अब्दुल करीम अल इसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अल इसा 10 जुलाई को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ लगातार दूसरे दिन बैठक, विभागों के बंटवारे पर जल्द लग सकती है मुहर। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी की मुलाकात, आतंकवाद, मादक पदार्थ की तस्करी, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, तेजस्वी के इस्तीफे को मांग को लेकर आज भी बीजेपी के विधायक करेंगे प्रदर्शन। विधानसभा परिसर में आरजेडी का भी आज प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर आरजेडी विधायक करेंगे प्रदर्शन। चार्जशीट को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा, मेरे खिलाफ कोई लास्ट चार्जशीट नहीं है, बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर लगाया पक्षपात का आरोप, बोले जब तक डिप्टी सीएम का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। बिहार में विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने हाजीपुर में रोका, नई शिक्षा नियमावली का विरोध कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन से मुलाकात के बाद बोले एनएसए अजीत डोभाल, कहा, भारत में खतरे में नहीं है कोई भी धर्म। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। ग्रेटर कूचबिहार आंदोलन में प्रमुख रहे अनंत महाराज होंगे बंगाल से बीजेपी के प्रत्याशी। सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में उतरा ब्राह्मण समाज, डीएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो के लगाए गए नारे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के कारजोग गांव में दौरा किया, लेह में दलाई लामा से भी मुलाकात की। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुमाला श्रीनिवास का दौरा किया, अपने परिवार के साथ उन्होंने श्रीवारा के दर्शन भी किए। और देखिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हिंदुस्तान भर की हुंकार सुनाई दे रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सियासत जारी है, इसी से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी का दावा, बोले अगर लागू होता है तो इससे हिंदू और आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमृतसर में अकाल तख्त के प्रमुख से की मुलाकात, यूसीसी और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर की बात। यूसीसी के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा, बालियान ने हरिद्वार गंगा में डुबकी लगाई, लोगों से मांगा समर्थन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का होगा आयोजन। अवैध तरीके से पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा, बोली, बाबा बागेश्वर उन्हें अच्छे लगते हैं, उनकी स्माइल पसंद है। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं आज की कुछ और अहम खबरें। इसरो ने पूरा किया चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल, बता दें कि चंद्रयान मिशन 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइबेक्स 2023 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, 6 दिनों तक चलने वाला ये एक्सरसाइज जिमेक्स 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। मंगलवार को 18,137 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 1 जुलाई से अब तक 1,37,353 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन किए। मुंबई से सटे मलाड में पेड़ गिरा, पेड़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत, एक महिला समेत एक बच्चा भी हुआ जख्मी। मुंबई में कैमरे में कैद हुई बीच सड़क पर पेड़ गिरने की तस्वीर, बाल बाल बचे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, पेड़ गिरने से पुलिस वैन हुई चकनाचूर। पंजाब के जालंधर में नदी में गिरा डंपर, ट्रक सेना की मदद से किया गया ड्राइवर को रेस्क्यू, बांध टूटने के इलाके में कटान और पानी के तेज बहाव से मुसीबत बढ़ी। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही, ऑपरेशन के बाद एसएमएस अस्पताल के 18 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई, अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश।
असम के तिनसुकिया में देर रात आग लगने से मचा हड़कंप। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद 16 मकान आए आग की चपेट में। आग पर पाया गया काबू। दक्षिण अफ्रीका से एमपी के कोनो नेशनल पार्क लाए गए एक और चीते की मौत। घंटों बेहोश रहने के बाद चीता तेजस ने दम तोड़ा। कोनो नेशनल पार्क में 4 चीते, 3 शावकों की हो चुकी है अब तक मौत। इसी बीच आपको बताएं, वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव हुआ है तो ओडिशा में ट्रेन से धुआं उठने लगा है और उसके बाद हड़कंप की स्थिति। इससे रिलेटेड कुछ और खबरें हैं 9 सेकंड में। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में धुआं उठने से यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। विवेक एक्सप्रेस के पहिए में बोरा फंसने के चलते हुई है दुर्घटना। एमपी के मुरैना में जोरदार बारिश से जमीन में धंसा मकान का एक फ्लोर, मलबे में दबा लाखों का सामान। अब अयोध्या में फेंके गए वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, कई खिड़कियों के शीशे टूटे। यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी दो हिस्सों में बटी। मालगाड़ी की बोगियां उतरने के चलते करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा वाराणसी प्रतापगढ़ रूट। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है आपको रूबरू करवाएं, भोपाल से है। भोपाल दौरे पर अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। एमपी में पार्टी नेताओं का शाह का संदेश है पार्टी नेताओं को, एमपी में टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। कोई भी बदलाव टीम में नहीं किया जाएगा, चुनाव एकजुट होकर इसी टीम के सहारे लड़ा जाएगा। हालांकि खबर ये है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को बांटी जाएगी, चुनाव दिल्ली से ही टीम ऑपरेट करेगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बात कह दी है, संदेश दे दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि जीत का विश्वास पैदा करिए, सीएम की सभा में आ रही है भीड़ और उस पर भरोसा ना करिए, बल्कि पार्टी का संदेश लोगों तक आप पहुंचाइए। उन्होंने कहा कि लगातार मिलकर के बिना बदलाव के टीम काम करेगी। ये बड़ी जानकारी भोपाल से है। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ दिग्विजय पर प्रहार जारी रखिए, जो जनसभा की भीड़ है उस पर भरोसा मत करिए। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बड़े बयान, इन बड़ी बातों के बाद किस तरीके से चुनावी रणनीति में बदलाव संभव है, क्या कुछ बातें और कही गई दिग्विजय? देखिए, अमित शाह जिस अंदाज में देर रात में भोपाल आए थे, अचानक उनका दौरा बना था, 8:30 बजे यहाँ पहुंचे, 11:30 तक रहे, लगता है कि बहुत बड़ा संदेश देने आए थे, कुछ ना कुछ खास बात पर ही होगी। हालांकि मीटिंग इतनी गुप्त रही कि अंदर किसी कैमरामैन को अंदर जाने के शॉट्स नहीं मिले, मगर अंदर से जो खबरें हमको मिली हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया अमित शाह ने अपनी तरफ से कि इस टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री बदलेंगे ना प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, यही टीम एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात, पार्टी में आप लोग कॉन्फिडेंस पैदा करिए, छोटी छोटी बातों में दबाव में मत आइए, भले ही वो आदिवासी का जैसा भी मामला हो, उस बात पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि किस तरीके से पार्टी दबाव में आ गई। दबाव में आने की जरूरत है, पार्टी ने अच्छा काम किया है उसको आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्री की सभाओं में जो भीड़ आ रही है तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि सभाओं की भीड़ कभी वोटों में तब्दील नहीं होती है, इसलिए पूरा जो नीचे तक ग्राउंड लेवल तक पहुंचने लगाइए। मगर सबसे बड़ा बयान कि सब एकजुट होकर चुनाव लड़िए। बिल्कुल ब्रजेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ब्रजेश ये जानकारी दे रहे थे कि जहां इस मीटिंग से भीतर खाने से यही बात निकल करके सामने आई है, भीड़ पर भरोसा ना करें बल्कि पूरी रणनीति पूरी ऊर्जा के साथ जाएं प्रचार में लगे, हालांकि टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। बात करेंगे 360 डिग्री आफत, कब मिलेगी राहत। उत्तर भारत के कई प्रदेश इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह एक जैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, पानी और सिर्फ पानी। कहीं पहाड़ों से सब कुछ तहस नहस करने पर आबादा सैलाब फूट रहे हैं तो मैदानी इलाकों में भी मानो जल प्रलय दस्तक दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश से तबाही का मंजर है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और टूटती चट्टाने राहगीरों की मुश्किल बढ़ा रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान मार कर बह रही है जिससे बाढ़ आ गई है। कैसे हैं उत्तराखंड में इस वक्त हालात, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मॉनसून की बारिश देवभूमि उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है, नदियां उफान मारकर बह रही हैं, शहरों से लेकर गांव तक तबाही का मंजर है। मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर झरने बहने लगे हैं,
कांवड़ यात्रा की वजह से इन दिनों गंगोत्री धाम में कांवड़ियों की भीड़ है। इसलिए सैकड़ों कांवड़िए घंटों तक रोड पर फंसे रहे। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर देखिए। सिरोपगढ़ में हाईवे पर पहाड़ी से मलबा इस कदर गिरा कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया। मलबे में एक पिकअप गाड़ी भी दब गई है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान मारकर बह रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से अब महज 1 मीटर नीचे है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। नदी से 25 मीटर दूर स्थित विशालकाय भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। बारिश का कहर चकराता विधानसभा के त्यूनी में भी देखने को मिल रहा है। टोंस नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में नदी किनारे पर बनी 22 दुकानों को खाली करा दिया गया। प्रशासन ने दुकानदारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बारिश से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी किनारे पर बने कई मकान धराशायी हो गए। पहाड़ों से बहकर आ रही नदियां मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही हैं। हरिद्वार जिले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनाली नदी का तटबंध टूटने से लक्सर के कई गाँव में पानी घुस गया है, जिससे लोग डरे हुए हैं। तो उत्तराखंड से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जगह जगह भयानक हालात बने हुए हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें डरा रही है। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तराखंड से आई तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ये देखिए पिथौरागढ़ के धारचूला में किस तरह चंद पलों में ही ये मकान मलबे में मिल गया। इन तस्वीरों में तबाही का ट्रेलर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ काली नदी इस कदर विकराल है कि धारचूला के खोतिला गांव के मकान उफनती नदी में समा गए। यहाँ रह रहे 100 से ज्यादा परिवारों को मजबूरी में दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। नदी देखिए, नदी की तस्वीर देखिए, नदी अपने उफान पर है। डैम से भी पानी छोड़ दिया है इस नदी में। इसकी वजह से भी नदी का उफान इस वक्त काफी ज्यादा आपको नजर आएगा। प्रशासन की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि डेंजर लेवल के ऊपर इस वक्त काली नदी बह रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बारिश लगातार इस इलाके में हो रही है, रेड अलर्ट भी है। ऐसे में अगर जो नदी के आसपास के इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, यहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनको तुरंत वहां से हटने के लिए कहा गया है। जिस पहाड़ी पर खोतिला गांव बसा है उसके निचले हिस्से की जमीन को उफनती काली नदी लील कर रही है। नदी के तेज प्रवाह से यहाँ की जमीन लगातार धस रही है। पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नदी में जा गिरा। इन्हीं तस्वीरों ने दहशत फैला दी है, वो इसलिए क्योंकि अब तो गांव पर खतरा पैदा हो गया है। जिस पहाड़ी पर गांव की बुनियाद टिकी हुई है उसे उफनती हुई काली नदी अपने वेग से लगातार काटते जा रही है। काली नदी में बड़े बड़े बोल्डर आने की वजह से उसकी दिशा भी बदल गई है। लिहाजा खोतिला गांव के निचले हिस्से पर आफत आ गई है, वो टूट टूट कर पानी में समा रहा है। काली नदी इतने रौद्र रूप में है कि यहाँ पुल बनाने के काम में लगी जेसीबी मशीन डूब गई। जेसीबी ऑपरेटर ने कूद कर अपनी जान बचाई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन जो है वो पानी में डूबी हुई आपको नजर आएगी। इस गनीमत ये रही कि जिस दौरान ये पानी में डूबी मशीन, उस दौरान ऑपरेटर जैसे तैसे इसे कूद कर अपनी जान बचा पाया और उस वो यहाँ से बाहर निकल पाया। लेकिन स्थिति ये है कि मशीन जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश ने तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार की है। लोकल नदी में इतना तेज उफान आया कि दो रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली ये पुलिया टूट गई। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके से आई इन तस्वीरों ने पिछली आपदा की याद दिला दी है। बताया जा रहा है कि हिमालय इलाके में ग्लेशियर टूटने से नदी में अचानक सैलाब आ गया। नदी का वेग इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टाने सब कुछ नदी के साथ आ गया। नदी अपने साथ कितने बड़े बोल्डर बहा कर लाई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। एक विशाल बोल्डर पुल के नीचे अटक गया। अब तो पुल पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि नीचे नदी में उफान बहुत तेज है।
अभी तक जो मानसून की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन हर समय अलर्ट मोड पर है और जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं या ग्रामीण मार्ग या NH या SH तो तुरंत खुलवाने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर JCB लगा रखे हैं। अब उत्तराखंड के लक्सर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ बारिश के कारण सोनाली नदी के पास कुआखेड़ा में बना पुल टूट गया जिससे आवाजाही बंद है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बाढ़ बारिश का असर किस तरीके से उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। लक्सर की तस्वीर आप देखिए, सोनाली डैम पर बनी जो सड़क थी वो ध्वस्त हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है और इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की बात कही जा रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, देखिए प्रदेश में जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर है और इस कारण किस तरीके से आफत मची हुई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। इधर मनाली में बारिश से तबाही की तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। तस्वीरें देखकर आपदा की असल हालात की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, मनाली की तस्वीरें हैं। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है जहां पर बारिश कहर बनकर बरप रही है और आप देखिए नदी नाले अपने उफान पर है। जगह जगह तबाही का ऐसा ही मंजर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बर्बादी की ये तस्वीर दिखेगी जहां दुकान घर सब कुछ तबाह हो चुका है, जहां देखिए बस बर्बादी की तस्वीरें हर जगह दिखाई दे रही है। मनाली की ये तस्वीरें हैं, मनाली में आप देखिए बारिश के बाद किस तरीके से हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। कई घर जमींदोज हो गए हैं, नदी नाले अपने उफान पर हैं, कई जो लोग हैं वो प्रभावित हैं और अब सिर्फ यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बारिश से लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कुछ समय तक राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है। मनाली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए हिमाचल के कई शहरों को नष्ट कर चुकी है बारिश, कई जो शहरों की सूरत बिगाड़ चुकी है बारिश। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये घर हैं ये जमींदोज हो गए हैं और जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। जगह जगह सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी। प्रकृति का विकराल रूप और हिमाचल में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब है। कल CM सुक्खू ने भी बाढ़ प्रभावित जो जगह है उनका जायजा लिया और हर राहत पहुंचाने की आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बारिश है वो आफत मचा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया है। सप्तश्रृंगी के पास बस खाई में गिर गई, एक की मौत, 20 से 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर, नासिक में बड़ा हादसा हो गया। सप्तश्रृंगी के पास एक बस खाई में गिर गई जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि एक की मौत हो गई है, 20 से 25 यात्री जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों में आप बस को देख सकते हैं जो कि खाई में गिर गई है। सप्तश्रृंगी के पास ये बस खाई में गिरी जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है और 20 से 25 जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, यात्रियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और राहत अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, हादसे में एक की मौत हो गई है, करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप ये बस भी देख सकते हैं जो कि अचानक से खाई में गिर गई। हालांकि कारण क्या रहे, क्या लापरवाही थी, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्राथमिकता ये है कि जो यात्री हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए। 20 से 25 जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार यात्रियों को बचाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। हालांकि एक की मौत की खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन क्या लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, क्या और कारण रहे हैं, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यह बड़ी खबर, सप्तश्रृंगी के पास बताया जा रहा है कि यह बस अचानक से खाई में गिर गई और इसमें 20 से 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद में RSS कार्यकर्ता की हत्या, शंकर प्रसाद को घर के बाहर गोली मार दी गई। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है।
बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। धनबाद से बड़ी खबर, आरएसएस कार्यकर्ता बताया जा रहा है जिसकी हत्या कर दी गई। शंकर प्रसाद इसका नाम है, जिसके घर के बाहर उसे गोली मार दी गई। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये जानकारी मिल रही है। आरएसएस का कार्यकर्ता था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शंकर प्रसाद इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे घर के बाहर मौजूद रहकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।